सुना इसी का नाम है। इन तमाम गीतों के बोल जितने सरल हैं, मायने उतने ही गहरे हैं। और जब जब ऐसे गीत फिजाओं में गूंजे, याद आए इन गीतों को रचने वाले महान गीतकार शैलेंद्र। शैलेंद्र ने अपने करियर का बेहतरीन काम शंकर जयकिशन के साथ किया। बरसात के बाद शंकर जयकिशन के साथ उनकी जोड़ी जम गई। इसके बाद राज कपूर कैंप की हर फिल्म जिसमें शंकर जयकिशन का संगीत था, उसमें शैलेंद्र ने गीत जरूर लिखे। शंकर जयकिशन और खासकर शंकर की धुनों के लिए शैलेंद्र ने ही बोल लिखे। कई बार शंकर और जयकिशन की धुनों को ऐसे ही पहचाना जाता था। जो गाना शैलेंद्र ने लिखा वो शंकर का, जो गाना हसरत ने लिखा वो जयकिशन का। शंकर जयकिशन का कहीं कहीं पता लग जाता था। ज्यादातर धुने शैलेंद्र लिखते थे शंकर के लिए और हसरत लिखते थे जयकिशन के लिए। लेकिन एक दो बार मैं भी चक्कर खा गया कि जब इसके बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि वो खुद भी नहीं चाहते थे किसी को पता चले किसकी धुन है। बहुत कम लोग जानते होंगे कि शंकर जयकिशन, हसरत और शैलेंद्र अक्सर साथ साथ बाहर घूमने जाया करते थे और कई बार आउटिंग में ही गीतों की धुनें और बोल तैयार होते थे। रमैया वस्तावैया इस टीम ने उस वक्त तैयार किया जब बिल्डिंगों में काम करने वाले मजदूरों के मुँह से उन्होंने उनका फोक सॉन्ग सुना। SJ की धुन पर शैलेंद्र जी ने ये मुखड़ा फौरन लिखा था। रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। ऐसी ही कहानी श्री 420 के एक और सुपरहिट गीत की है। हुआ यूं कि SJ के साथ शैलेंद्र और हसरत घूमने बाहर आए थे। एक खूबसूरत सी लड़की को जयकिशन बार बार मुड़ के देख रहे थे और शैलेंद्र ने फौरन इस सिचुएशन को बोलों में पिरो दिया। मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के, 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 जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर है। इस गीत का असर यह है कि आज के जमाने के सुपरस्टार भी इसे सुनना और गुनगुनाना पसंद करते हैं। मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख, इट्स गॉट अ वेरी कैची ट्यून एंड इवन टुडे आई थिंक इट वाज यूज्ड फॉर एन एड एज वेल एंड यू नो इट्स डूइंग इट्स स्टिल वेरी वेरी मेमोरेबल। शंकर जयकिशन और शैलेंद्र की जोड़ी की एक और बड़ी मशहूर कहानी है। शंकर जयकिशन ने शैलेंद्र से वादा किया कि वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर के सामने उन्हें प्रमोट करेंगे क्योंकि उस जमाने में संगीतकार ही गीतकार का नाम आगे करते थे। लेकिन दूसरे गीतकारों का साथ पाकर शंकर जयकिशन अपने इस वायदे को भूल गए। तब शैलेंद्र ने उन्हें एक चिट्ठी भेजी ये लाइनें लिखकर, छोटी सी ये दुनिया, पहचाने रास्ते हैं, तुम कहीं तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। शंकर जयकिशन इशारा समझ गए और शैलेंद्र से माफी भी मांगी। बाद में ये पंक्तियाँ एक मशहूर गाने में तब्दील हुई। मिलोगे तो पूछेंगे हाल, छोटी सी ये दुनिया, पहचाने रास्ते हैं, तुम कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल, छोटी सी ये दुनिया। वो बड़ा सुनहरा युग था जब एक दूसरे की बात को समझा जाता था। उसका कारण ये था कि उस समय लोग भाषा को समझते थे,